चलो ज्वाइन करा, ज्वाइन चला करा। तब तक ट्राई करो तुम लोग, तब तक तुम लोग ट्राई करो, आता है क्या देखो। बाकी जे ज्वाइन हुई पर्यंत काय बघा, येते का बघा, ट्राई करा। हो, चांगली गोष्ट आहे। व्हिडिओ लेक्चर केलेस तर चांगली गोष्ट आहे, पण लाईव्ह लेक्चरच करा सहसा। लाईव्ह लेक्चर मध्ये जास्त आणखीन लक्ष राहते व्यवस्थित। चला चला चालू करणे का, देखो तो देखो तो जो इधर से वेव आ रहा है, चल देखो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा है, जो इधर से वेव आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, उसका पाथ लेंथ कितना है? तो उस वेव का पाथ लेंथ है 6 सेंटीमीटर। पाथ लेंथ मतलब वेव जितना ट्रैवलिंग करता है उसको ही पाथ लेंथ बोलते हैं, कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है। तो वेव ने ट्रैवल किया 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर पाथ लेंथ है। लेकिन उसको लैमड़ा में कैसा कन्वर्ट करने का, वो भी चिल्लर है। एक लैमड़ा से डिवाइड करो, एक लैमड़ा से मल्टीप्लाई करो। तो 6 को क्या करने का, 6 डिवाइडेड बाय लैम्बडा एंड इंटू लैम्बडा, डिवाइडेड बाय लैम्बडा एंड इंटू लैम्बडा, तो ये कितना होता है, 3 लैम्बडा। तो ये कितना होता है, 3 लैम्बडा। तो जो इधर से वेव जा रहा है, जो इधर से वेव जा रहा है उसका पाथ लेंथ कितना है, 3 लैम्बडा है। अच्छा है, अब जो इधर से वेव जा रहा है उसका पाथ लेंथ कितना है, राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का पाथ लेंथ वो कितना है, 6.5 लैम्बडा। राइट हैंड से जो वेव निकल रहा है उसका पाथ लेंथ कितना है, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। अब उसको कन्वर्ट करना है लैम्बडा में, उसको किस में कन्वर्ट करना है, लैम्बडा में। तो क्या करने का है, डिवाइडेड बाय लैम्बडा एंड इनटू लैम्बडा। तो इसको डिवाइड किया लैम्बडा से, लैम्बडा मतलब 2 से, लैम्बडा 2 ही है ना, इसको डिवाइड किया लैम्बडा से और मल्टीप्लाई किया लैम्बडा से, तो ये कितना होता है, तो ये कितना होता है, तो इसको क्या करता हूं मैं, 6.5/2 है, ऊपर भी और नीचे भी डबल करता हूं। ऊपर का डबल किया तो 13, नीचे का डबल किया तो 4। ऊपर को भी डबल किया, ऊपर का जो है उसको भी डबल किया, नीचे का भी डबल किया, तो यह ऐसा आता है 13/4 लैम्बडा। बराबर है ना, वरचा पण डबल केला, खालचा पण डबल केला, मग किती येते, 13/4 लॅम्बडा। हाँ, 3.25 भी आ सकता है, 3.25 लिखना है तो 3.25 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसा भी चलता है। इसको डिवाइड किया 2 से तो ये 3 आता है, ये 50 का डिवाइड डिवाइड करने के बाद होता है 25, तो ये 3.25 आता है, वैसा भी चलता है, 3.25 लॅम्बडा, नो प्रॉब्लम। तो इधर का पाथ लेंथ, इधर का पाथ लेंथ, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस कितने का आ गया, पाथ डिफरेंस कितने का आ गया, तो दोनों का डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो कितना, 13/4 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा। ये बड़ा है लेंथ, 13/4 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा, तो ये आता है लैम्बडा/4। सब्ट्रैक्शन करके देखो, इसका लैम्बडा कॉमन निकालने का, दोनों में से लैम्बडा कॉमन निकालने का, 13/4 माइनस 3 करो तो इतना आता है। तो सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, लैम्बडा/4, तो ये आ गया पाथ डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस कितना है, अब फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस है 2π/4, ठीक है। पाथ डिफरेंस इतना है तो फेज डिफरेंस कैसे निकालने का, तो लैम्बडा के जगह पे क्या पुट करने का, 2π। लैम्बडा के प्लेस पे क्या पुट करने का, 2π, तो 2π/4 आ गया, मतलब कितना आता है, π/2। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, π/2। चला चला सगळे जण इकडे बघा, तो फेज डिफरेंस कितना आता है, तो फेज डिफरेंस आता है π/2, ठीक है।
तो पाथ डिफरेंस निकाला, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाला कैसे, लैम्डा के जगह पे क्या पुट करने का, 2 पाई पुट करने का। अभी फेज डिफरेंस के बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी में निकाल सकता हूं, फेज डिफरेंस मिल गया तो उसके बाद यहां का रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकल सकता है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का बोलो क्या है फॉर्मूला, इधर का यहां पे इधर का रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है फॉर्मूला, इस पॉइंट का रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो आई वन, इधर से आने वाला इंटेंसिटी आई वन प्लस इधर से आने वाला इंटेंसिटी आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस के बाद सुपरपोजिशन के बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो ऐसा है। तो इधर से आने वाला इंटेंसिटी आ है, इधर से आने वाला भी इंटेंसिटी आ है, आई इंटू आई, ये अंदर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, और कॉस ऑफ इधर से आने वाला वेव और इधर से आने वाला वेव उनके बीच का एंगल डिफरेंस, कॉस ऑफ इधर से आने वाला वेव और इधर से आने वाला वेव इनके बीच का फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय टू, तो इधर पुट किया पाई बाय टू, तो कॉस ऑफ पाई बाय टू कितना है, कॉस ऑफ पाई बाय टू है जीरो, तो कॉस ऑफ पाई बाय टू जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो आई प्लस आई टू आई, कॉस ऑफ पाई बाय टू कॉस ऑफ 90 कितना है जीरो है, तो ये थर्ड टर्म जीरो हो गया, तो आई प्लस आई इंटेंसिटी टू आई, तो इधर का इंटेंसिटी आए इधर का इंटेंसिटी आए, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होता है टू आई, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है क्या, इसको नहीं बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। अगर यहाँ पे फेज डिफरेंस 2 पाई का है या फिर 0 का है तो यहाँ पे इंटेंसिटी आता है 4 आई, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। तो इंटेंसिटी कितना हो रहा है यहाँ पे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना है 2 आई। चलो अंडरस्टैंड हुआ क्या, क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ है क्या, ठीक है चलो लिखो इसको, आगे जाएंगे बीट फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करेंगे। चलो लिखूं गया, चलो चलो RHS पाथ लेंथ कितना है 6.5, पाथ लेंथ 6.5 डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू लैम्डा, 6.5 इधर का पाथ लेंथ है, इसको डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या इनटू लैम्डा, लैम्डा मतलब कितना है 2, खाली ठेवला 2, डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू लैम्डा, 6.5 अपॉन 2, वरचा डबल केला खालचा पण डबल केला, 13/4 म्हणजे 6.5/2 आहे, याला फक्त सिंपल करायला डबल वरचा खालचा डबल करून ठेवला इथे, याला डिवाइड केला तुम्ही तरी काय फरक पडत नाही, याला डिवाइड करून ठेवा 3.25 लॅम्डा केला तरी काय फरक पडत नाही, तसं करा, मी असा डिवाइड करून ठेवला। गाडी पकडल्यावर एक महिना सोडून झालेत, कोणाची पकडली काय, गाडी पकडल्यावर सोडून झाले ते, आणि गाडी पकडायचा रूल कुठून काढला हे काय मला कळना, पण गाडी पकडली की घेऊन जाणार म्हणाले, ते रूल कुठून काढला काय कळना झालंय। चला हो गया क्या,
चलो तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, नया कंसेप्ट स्टार्ट करना है। क्या चल रहा है कि तो कुनाची टेस्ट करा लिखा है। चलो हो गया है। तो अभी क्विंकेस ट्यूब एकदम क्लियर। तो क्विंकेस ट्यूब में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। क्विंकेस ट्यूब में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। इधर से एक साउंड का वेव आता है, इधर से एक साउंड का वेव आता है, और यहाँ पे इंटेंसिटी कभी कभी इंक्रीज होता है, कभी कभी डिक्रीज होता है। कैसे होता है तो वी कैन फाइंड आउट दैट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। अब इसमें एक ही नहीं पता रहता, इधर का इंटेंसिटी और इधर का इंटेंसिटी क्वेश्चन में देंगे, नहीं तो निकाल नहीं सकते हम लोग। इधर का इंटेंसिटी और इधर का इंटेंसिटी पता रहता है, बस जो पता नहीं रहता वो रहता है फेज डिफरेंस। जो हम लोगों को निकालना रहता है क्वेश्चन में वो रहता है फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालने का, पाथ डिफरेंस निकालने का। पाथ लेंथ दोनों का डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस, इसको कन्वर्ट करने का फेज में। तो फेज डिफरेंस पुट करने के बाद आंसर आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है बीट्स। एकदम इजी है, बीट फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोड्यूस होता है, एकदम इजी है। चलो तो लिखो नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। नेक्स्ट क्या है लिखो, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, फॉर्मेशन ऑफ बीट। ये बीट अलग है और मैं जो बीट बोलता हूं, फर्स्ट बीट सॉल्व किया क्या, सेकेंड बीट सॉल्व किया क्या, वो बीट अलग रहता है। फर्स्ट बीट सॉल्व किया, सेकेंड बीट, बीट मतलब टुकड़ा, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा सॉल्व के लगा, ये बीट अलग है। ये बीट क्या है, ये बीट क्या है, एकदम इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। तुम लोगों को मैं अभी सुनाता हूं, एकदम मस्त सुनाई देगा अभी। तो बीट मतलब क्या है, बीट का मीनिंग क्या है, तो देखो समझो एक साउंड का फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज का है। अभी ये प्रोड्यूस करके देखेंगे, इधर वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट्स अवेलेबल है, और वेबसाइट पे जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को चाहिए वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो समझो मैंने 200 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया, एक 200 हर्ट्ज का एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया, तो उसका आवाज आता है टी, ऐसा आवाज आता है, ठीक है, ओके। मैंने दूसरा भी एक साउंड का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया, वो है 205 हर्ट्ज का। दूसरा भी एक साउंड का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया 205 हर्ट्ज का। पहले वाले को बंद किया, पहले वाले का क्या किया, बंद किया, दूसरे वाले को स्टार्ट किया, तो वापस से आवाज इसका, इसका थोड़ा सा अलग आवाज आएगा। इसका आएगा टी, तो इसका आएगा टू, इसका ऐसा आएगा आवाज। तो 200 अकेला प्रोड्यूस किया तो टी, 205 अकेला प्रोड्यूस किया तो टू, तो दोनों को एक साथ बजाए तो मस्त होता है, तो प्रोड्यूस होता है बीट्स। इसको भी, इस साउंड वेव को और इस साउंड वेव को, दोनों को क्या करने का, एक साथ प्ले करने का। तो पहला वाला प्ले किया टी, दूसरा वाला प्ले किया टू, दोनों को एक साथ प्ले किया तो टी, ऐसा आवाज प्रोड्यूस होता है। इसको बोलते हैं बीट्स, इसको क्या बोलते हैं बीट्स। जब साउंड का इंटेंसिटी मैक्सिमम बनता है, जब साउंड का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम बनता है, उसको बोलते हैं वैक्सिंग। हाँ वैक्सिंग और भी रहता है कुछ कुछ, ये वैक्सिंग अलग है, ओके।
तो ये वैक्सिंग वैसा वैक्सिंग नहीं है, ये वैक्सिंग अलग है। जब साउंड का इंटेंसिटी बड़ा बनता है तो उसको बोलते हैं वैक्सिंग, और साउंड का इंटेंसिटी जब मिनिमम बनता है उसको बोलते हैं वेनिंग। तो एम्पलीट्यूड मिनिमम बनता है, साउंड का इंटेंसिटी मिनिमम उसको वेनिंग बोलते हैं, साउंड का इंटेंसिटी मैक्सिमम बोलता है उसको क्या बोलते हैं वैक्सिंग। ठीक है, ओके। बीट्स कब प्रोड्यूस होता है, बीट्स प्रोड्यूस कब होता है, तो दोनों साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम चाहिए क्या? नहीं, बीट प्रोड्यूस होने के लिए ये साउंड और ये साउंड इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम चाहिए क्या? नहीं, एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो भी चलता है। क्या सेम चाहिए फिर? तो ऐसा चाहिए, फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज ऑफ बोथ वेव्स शुड बी नियर ईच अदर। ठीक है, बीट प्रोड्यूस होने के लिए, बीट प्रोड्यूस होने के लिए पहले साउंड का वेव और दूसरे साउंड का वेव इनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या चाहिए? एकदम कम चाहिए, 5, 5, 2, 3, 4, 10, 7, 8, 9। तो इन दोनों में फ्रीक्वेंसी डिफरेंस अगर कम है तो क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। ठीक है, चलो। तो हेडिंग लिखा है फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, हेडिंग लिखा फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। चलो लिख गया, हेडिंग लिया फॉर्मेशन ऑफ बीट्स ले ला। फॉर्मेशन ऑफ बीट्स लिखा, उसके नीचे लिखो फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, उसके नीचे लिखो फॉर हेडिंग, हेडिंग चा खाली फॉर्मेशन ऑफ बीट्स लिहिले त्याच्या खाली फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स नंबर वन ये लिखो, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स नीड नॉट बी सेम। फॉर फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीट्स नंबर वन, एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ साउंड वेव्स नीड नॉट बी सेम, एंड नंबर टू, frequency of both waves should be near each other, frequencies of both waves should be near each other, frequencies of both waves should be near each other। Frequencies of both waves should be near each other। ठीक है, when amplitude becomes maximum मतलब बड़ा साउंड सुनाई देता है, when amplitude becomes maximum it is called waxing, when amplitude becomes minimum it is called waning। चलो लिखो उसके नीचे conditions लिहिल्या त्याच्या खाली, beats च्या formation च्या conditions आल्या त्याच्या खाली लिहिल्या, when amplitude becomes maximum it is called waxing, when amplitude becomes minimum it is called waning, when amplitude becomes minimum it is called waning। ठीक है, चलो। तो अभी एक बार देखते हैं बीट्स कैसा प्रोड्यूस होता है, एक बार देखते हैं, चलो।
ऑनलाइन क्या है, एक वेबसाइट है फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसर करके, कुछ तो नाम है उसका, जो फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए वो प्रोड्यूस करता है। तो एक्सपेरिमेंट करके देखते जाओ। ठीक है, चलो हो गया, मिल गया। चलो देखने का, थोड़ा सरदर्द हो सकता है, फ्रीक्वेंसी सुन के क्या होता है, थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, तो वॉल्यूम कम करके सुनो। वॉल्यूम काय करा, थोड़ा सा कमी करून ऐका, ते फ्रीक्वेंसी ऐकून थोड़ा सा हेडेक वगैरह हो सकते, बघा। ठीक है, चलो ट्राई करेंगे। देखो तो इधर है फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, टोन जनरेटर, इसका ऑलरेडी मैंने एक टैब ओपन किया है, और एक टैब ओपन करता हूँ, सेकेंड टैब। तो इधर एक टैब ओपन है, इधर एक टैब ओपन है, इधर कितना प्रोड्यूस हो रहा है अभी, 440 हर्ट्ज़। तुम लोगों को जो चाहिए वो प्रोड्यूस हो सकता है, 200 प्रोड्यूस करना है तो 200 प्रोड्यूस हो जाएगा। तो 200 कैसा सुनाई देता है, देखो ये 200 हर्ट्ज़ अभी साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो 200 साउंड अकेला जब प्ले होता है तो ऐसा। इधर मैं दूसरे टैब में ओपन करता हूँ, कहाँ चले गया, चलना ए चलना। हाँ, दूसरे टैब में अभी ओपन कर रहा हूँ, इधर क्या प्रोड्यूस करेंगे, 206 प्ले करेंगे इधर, 206 हर्ट्ज ला प्ले करो गो। ठीक है, तो ये अकेला टी कर रहा है, ये अकेला भी टू कर रहा है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसीज कैसा है, सिमिलर है, आसपास आसपास है, ये 200 है वो 206 है, दोनों को एक साथ प्ले करेंगे, देखो अभी बीट सुनाई देगा, तब बीट साइकिल लेते ना बगा। सुनाई देगा क्या लगा, टूडू 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 टूडू, एला आणखीन कमी करू, एला आणखीन कमी करू, आणखीन क्लियर ऐकायला येते, आणखीन याला कमी केला, आणखीन क्लिअर ऐकायला येते, बघा परत एकदा, परत एकदा, दुसरा चालू, तो ये है बीट, याला बंद केला मी, आता बंद झाला, अरे चलना चलना। आवाज येईना झालाय, अरे सुनाई ऐकायला आला का नाही, ऐकायला आला, ऐकायला नाही आला, नाही आर, थोडं रुको रुको, और एक बार करतो, चल चल क्या है कि अब देखो एक बार सुनाई देता है क्या, करेंगे 400 थोड़ा इंटेंस आ रहा है। ठीक है 402 आता ऐकायला आले का, ठीक है ठीक है ओके, आता अब आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना हेडेक अच्छा होगा। देखो अभी तो 402 प्रोड्यूस करता हूं अभी, चलो 402 को मैं प्रोड्यूस करता हूं, ऑनलाइन टोन जनरेटर है, तुम लोग घर पे भी ट्राई करो, देखो
ये अकेला 402। तो ये अकेला 400, ये अकेला 402। अब दोनों को एक साथ प्ले किया मैंने, दोनों को एक साथ प्ले किया तो अभी सुनाई देता है बीट्स, देखो। अब सुनाई दिया, ठीक है, क्लियर? अभी कैसा है? तो एक फ्रीक्वेंसी जब प्ले होता है, तो एक फ्रीक्वेंसी जब प्ले होता है कैसा साउंड आता है? टी का एम्पलीट्यूड ऐसा, मैं ये हैंड से क्या दिखा रहा हूं, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली सेम है, टी। दूसरा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है तभी भी एम्पलीट्यूड सेम रहता है, टू। दोनों एक साथ प्ले होता है तो एम्पलीट्यूड चेंज होता है, टी। एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होता है इसको क्या बोलते हैं, बीट्स। तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, जब साउंड का इंटेंसिटी मैक्सिमम उसको बोलते हैं वैक्सिंग, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम, जब साउंड का इंटेंसिटी भी मिनिमम बनता है मतलब कम आवाज सुनाई देता है उसको बोलते हैं वेनिंग, ठीक है। अब कैसा होता है, क्या होता है, इसका पूरा डिटेल क्या करेंगे कल देखेंगे। चलो, बीट्स कितना सॉल्व करने का है, 3 बीट्स हो गया क्या, बोलो मुझे। वेव्स एंड साउंड का, वेव्स एंड साउंड से 3 बीट सॉल्व झाले का मला सांगा। चलो बोलो, फर्स्ट 3 बीट्स, इंटरफेरेंस, प्रोग्रेसिव और उसके पहले का। चला, रिस्पॉन्ड कंप्लीट झाले, बोला वाक्य जे बोला, वेव्स एंड साउंड का फर्स्ट 3 बीट्स कंप्लीट हुआ क्या, बोलो, कंप्लीट करा आकांक्षा, फटाफट कंप्लीट करा। थर्ड कंप्लीट करा परिन, कंप्लीट करून टाका, था कोण राहिला, सीमा, कंप्लीट करा। तिसर सर्वांत राहिले बघा, तिसरं बीट सर्वांत राहिलेलं आहे कंप्लीट करून घ्या, रागिनी करा, तिसरा पण कंप्लीट करा, साक्षी 2, प्रणव 3, चालू आहे, प्रणव पण सॉल्व करा लगा, चांगली गोष्ट आहे, कंप्लीट करा। वो वैष्णवी, ओ वैष्णवी, चलो ठीक है, सबका 3rd ही बचा ऐसा लग रहा है, सर्वांचं तिसरंच बीट राहिलं असं वाटायलं, संपून टाका तिसरं बीट पण, ठीक है, ओके। और जो एग्जाम के लिए चैप्टर है उसका प्रिपरेशन अच्छा करो, क्या है ये चैप्टर है, दूसरा क्या है, रिविजन के लिए, रिविजन के लिए है वेक्टर, रिविजन के लिए कौन सा है, वेक्टर। तो वेक्टर का कितना न्यूमरिकल सॉल्व करना है, वेक्टर का कितना न्यूमरिकल सॉल्व करना है, वेक्टर था ना, वेक्टर था, वेक्टर का कितना न्यूमरिकल सॉल्व करना है, मिनिमम 50 न्यूमरिकल्स प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन करने के लिए वेक्टर का कितना न्यूमरिकल सॉल्व करना है। तो थ्योरी तो रीड करना ही है, लेकिन फिजिक्स में थ्योरी रीड किया मतलब रिवाइज हुआ ऐसा नहीं है, तो कितना न्यूमरिकल्स मिनिमम होना चाहिए सॉल्व रिवीजन के लिए, 50, 100 हो गया तो अच्छा है, 200 हो गया तो और अच्छा है, तो वेक्टर के न्यूमरिकल सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और इसका तो अपना चल रहा है, ठीक है। चलो, कुछ डाउट्स है तो बोलो, कुछ डाउट्स है तो बोलो, डाउट्स नहीं तो बंद करो। पुढ़चा पार्ट क्या करें, बीट के ऊपर का न्यूमरिकल्स क्या करेंगे कल करेंगे, बीट्स के ऊपर के न्यूमरिकल क्या करेंगे कल करेंगे, ठीक है, ओके, चलो।